जब ये बादाम तैयार हो जाते तो ऐसे करके फट जाते हैं। तब हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक और अच्छे हैं। मिलिए रिदम से। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के और एक नए वीडियो में। तो टाइम जो अभी शाम के 5:30 होने लग गए हैं। आज जो है हम लोग सुबह से काम ही कर रहे थे, काफी ज्यादा काम था। आज पानी के लिए जो है बहुत ही ज्यादा दौड़ भाग करना पड़ा, तो आज जो है सुबह से हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाए। तो दिखाते हैं आप सभी को आज का शाम का मौसम। तो मौसम जो है बहुत ही साफ है। तो अभी जो है हम कड़वा बादाम तोड़ रहे हैं। हमें जो है गांव से दीदी का फोन आया था, हमारे मालिक जी की बहू का। तो दीदी जी ने 2 हफ्ता पहले ही बोला था कि कड़वा बादाम तोड़ के रख देना। तो हमने सोचा क्यों ना हम बादाम तोड़ दे आज। चलते हैं दोस्तों, बादाम तोड़ते हैं, दिखाते हैं आप सभी को यहाँ का कड़वा बादाम कैसा होता है, बादाम का पेड़ और किस तरह से जो है तैयार होता है बादाम। तो अभी जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, तभी जो है हम लोग आज तोड़ने आए हैं। काफी सारे बादाम लगा हुआ है इस वाले पेड़ पे और बाल्टी लाए हैं और इस कट्टे पे भरेंगे। तो ये कड़वा बादाम का पेड़ जो है नदी के किनारे ही लगा हुआ है, तो सामने ही नदी है, बह रही है। तो आप लोगों को जो है हमारी आवाज पे दिक्कत आएगी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो दिखाते हैं आपको कड़वा बादाम। तो ये है कड़वा बादाम, चाहे कड़वा बादाम हो चाहे मीठा बादाम, देखने से जो है ऐसे ही होता है बाहर से और अंदर से जो है ये कड़वा है। जब ये बादाम तैयार हो जाते तो ऐसे करके फट जाते हैं, तभी जो है हमें पता लगता है कि बादाम पककर तैयार हो गया है। तो तोड़ते हैं बादाम, बहुत ही ज्यादा लगा हुआ है। ये देखिए। हस्बैंड जी आप सीधा ऊपर से तोड़ के नीचे फेंकेंगे और हम नीचे से उठा के बाल्टी पे डालेंगे। तो चढ़ गए हैं और हस्बैंड जी चढ़ गए हैं पेड़ पे और बादाम तोड़ना कर दिया है शुरू ऊपर ऊपर के। अभी इतने हो गए हैं, इतने भी हो गए हैं। लो
तो बादाम तोड़ते तोड़ते जो है काफी टाइम हो गया, काफी सारे बादाम तोड़ दिए हम लोगों ने, दिखाते आप सभी को। देखो तो बादाम। तो पेड़ों में जो है काफी रह गए हैं अभी, जो अभी कच्चे भी है वो भी रह गए हैं। तो इसे जो है हम एक पेड़ परे भी है तो वो पेड़ और ये वाला जो बचा हुआ है ना तो साथ ही तोड़ेंगे कल या परसों जब भी टाइम लगेगा। तो अभी ये वाला लेके चलते हैं, पूजा जो है कैनी लेने गई है घर। तो जो मीठा बादाम होता है ना उसका पेड़ थोड़ा लंबा होता है, उसकी ग्रोथ जो है लंबे में होती है। तो ये वाला जो कड़वा बादाम होता है इसका पेड़ जो है ज़्यादा लंबा नहीं होता है। तो ये नदी के किनारे जो है बहुत ही अच्छा लगता है, ये पेड़ बहुत ज़्यादा फल भी लगते हैं इसमें बादाम में। तो काफ़ी बादाम निकल गया आज। तो हम बादाम तोड़ रहे थे, फिर उसके बाद हसबैंड जी ने बोला कि घर जाओ पानी का कैने लेकर आओ। फिर मैं पानी का कैने लेने आई थी, उतने को जो है मुझे अमाजू का फोन आया। तो अमाजू ने बोला कि पार सड़क पे आ जाओ जल्दी, मैं तुम्हारे लिए दूध और मूली लेकर आया है, ऐसा बोला। फिर मैं फटाफट घर से ही चली गई थी, तो मैं अभी पहुंची हूँ दूध और मूली लेकर। तो मेरे आने तक हसबैंड जी भी घर पहुंच गए थे और बादाम तोड़ के भी इकट्ठा करके भी घर ले आए हैं। कल फिर इसको धूप पे सुखाएंगे, फिर इसके सारे बादाम से जो है छिलके निकालेंगे, फिर उसके बाद जाकर हम पार गांव पे दीदी के पास भेज देंगे। तो दोस्तों टाइम जो अभी 7:30 हो गए हैं रात के, तो हम जो है चाय चुय पी के फिर हम लोग बाग में चले गए थे, पानी लगाना था। तो क्या करना दोस्तों, काम भी करना बहुत जरूरी है, अगर काम नहीं करेंगे तो मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। तो अभी पहुँचे हम लोग घर, तो अभी जो है फ्रेश भी नहीं हुए हैं, तो अभी पानी गर्म करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे अच्छे से, फिर खाना खुना बनाएंगे। तो हमें एप्पल को लेकर जो है एक कमेंट आया था, तो नाम राज बालाजी है। तो भैया जी नमस्ते, तो हम माफी चाहते हैं, आपने जो है 3 से 4 कमेंट कर दिया है हमें, कि सिस्टर जी बताइए कि इस सेब का क्या करते हो। तो सॉरी, माफी चाहेंगे आपसे, हम जो जवाब नहीं दे पाए। हाँ जी, तो भैया जी ने लिखा है, सिस्टर कटे हुए एप्पल का क्या करते हो आप, प्लीज सिस्टर बताइए, हम भी कुछ बनाना सीख जाएंगे। तो भैया जी हम बताते हैं, ये कटे हुए सेब का ज्यादा कुछ तो हमें भी नहीं आता है सेब का बनाना, तो ये जो गिरे हुए सेब को खराब होने से जो है, वेस्ट होने से अच्छा जो है हम इसको काट के ड्राई फ्रूट बनाते हैं। तो ड्राई फ्रूट बनाने से जो है, जैसे टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पे सर्दियों पे, तो वो ले जाते हैं, उनको बहुत ही पसंद है और बिक जाता है। हाँ जी, और हम लोग भी खाते हैं। तो आखिर आपके पास भी सेब है, तो गिरे हुए सेब को आप काट के सुखा सकते हो और खुद भी खा सकते हो, और बहुत ही अच्छा होता है इसका स्वाद जो है, सूखने के बाद जो है इस पे खट्टा और मीठा इतना अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा। तो यही कहना था भैया जी आपसे, बस हम इसको सुखाते हैं और कुछ नहीं करते, बस काटना है और इसको सुखाना है, 5 से 6 धूप लगाएंगे तो अच्छे से सूख जाएगा, फिर इकट्ठा करना है, फिर यहाँ पे जो है एक पॉलीथिन मिलता है छोटा छोटा, फिर उस पे पैक करना है। जब पैक करेंगे तो दिखाएंगे ना। हाँ जी, जब मैं पैक करूंगी तो आप सभी को बताऊंगी। तो हमें जो है एक और कमेंट आया था, वो आया था MK बिहार ब्लॉग, तो इनका भी चैनल है अपना यूट्यूब चैनल। तो इन्होंने कहा है, वेरी वेरी नाइस वीडियो, भाई साहब आपने मेरा कमेंट शामिल नहीं किया, मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, धन्यवाद। तो सबसे पहले MK भाई जी आपको जो है हम धन्यवाद करते हैं, आप जो है हमारी हर वीडियो देखते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, तो आपको जो है हम दिल से धन्यवाद करते हैं। तो हम जो है ऐसे मतलब काफ़ी सारे सवाल हो जाते हैं, तो मतलब हमें खुद भी समझ नहीं आता कि हम किन किन सवालों का जवाब दें, इतने सवाल आ जाते हैं, इतने मतलब हमें खुद भी समझ नहीं आता है ना। हाँ जी, ब्लॉग भी लंबा बन जाता है, ब्लॉग भी बहुत ही ज़्यादा लंबा बनने लग जाता है। तो आप लोग नाराज मत होइए प्लीज़। तो हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे, आप जो भी कमेंट करते हैं, जितना भी कमेंट करते हैं, हम सभी के कमेंट पढ़ते हैं और सभी को जवाब देना भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाती है जी। तो MK भाईजी, तो आप जो है बुरा ना माने प्लीज, तो आपसे जो है हम फिर से माफी चाहेंगे जी। तो हम जो है अब ये करेंगे ना जी। तो दोस्तों टाइम भी बहुत हो चुका है, तो अब खाना भी बना लेते हैं, पानी गर्म करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं अच्छे से। तो खाने पे बनाऊंगी मैं आज आलू मटर की सब्जी, तो चावल बनाऊंगी, हस्बैंड जी के लिए रोटी बनाऊंगी। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।